हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ की कुर्ती ड्राफ्टिंग। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था, सीमा हल्दर करके एक नाम है मेरी व्यूवर्स है जो, उनका बहुत बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था, मैम ये वाला साइज़ का जो हैवी साइज़ का आप कुर्ती की ड्राफ्टिंग बताइए। तो आज मैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बात और कि इस चैनल के अलावा मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं एपिसोड वाइज वीडियो बनाती हूँ बिगिनर्स के लिए, जिसका नाम है द नूर टेलर्स। तो आपने अगर नहीं देखा है या सब्सक्राइब नहीं किया तो वैसे उस चैनल के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेज़रमेंट है जो सीमा जी ने हमें भेजा है, तो इसी से हम आज जो है कुर्ती की ड्राफ्टिंग पे आपको मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने जो नाप लेने का जो बॉडी पे नाप लेते हैं वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेंथ। तो फ्रेंड्स, लेंथ का तो कुछ ज़्यादा नहीं रहता, जितनी आपको लेनी होती उतनी आप उससे 2 इंच ज़्यादा करके फोल्डिंग का भी ले सकते हैं। तो इनका जो लेंथ है 47 है, शोल्डर है 17 क्योंकि हैवी साइज है। तो फ्रेंड्स, हैवी साइज है बहुत, तो इनका शोल्डर 17 इंच आ सकता है। वैसे 16 इंच से ज़्यादा जो नॉर्मल लेडीज़ होती हैं उनका नहीं होता है 16 से ज़्यादा, तो ये 17 का हम 8.5 फोल्ड पे काटेंगे। अपर बस्ट है 49, यहाँ पे अपर बस्ट का हमें काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। फुल बस्ट है 52, इसमें हमें 2+ करेंगे हम तो 54 हो जाएगा, जिसका भी हमें 54 का चौथा हिस्सा लेना है जो कि 13.5 इंच आएगा। तो फोल्ड कुर्ती पे जब आप काटेंगे तो 13.5 इंच। वेस्ट मतलब कमर 48 है, इसमें भी हमने 2+ किया तो 50 हो जाएगा, तो 50 का भी चौथा हिस्सा 12.5 हो जाएगा। हिप है 54, जिसमें 2+ किया तो 56 इंच हो गया, तो जिसका चौथा हिस्सा आया 14 इंच। आर्म होल राउंड है 22, फ्रंट नेक है 8.5 और बैक नेक है 11 इंच, और स्लीव लेंथ है 5.5 इंच, शॉर्ट स्लीव है। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग कर लेते हैं अब। तो चलिए सबसे पहले लेंथ ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लेंथ आप देख रहे होंगे लेंथ 47 है, पर यहाँ पे 45 ही आ रही है, पर लेंथ का कुछ नहीं, जो कपड़े पे आप उसमें 2 इंच आप बढ़ा लें तो लेंथ का ज़्यादा वो नहीं है। तो इस पे मैं जितनी इसकी लेंथ आ रही है उतनी ही ले लूँगी। उसके बाद आते हैं शोल्डर पे। तो फ्रेंड्स, वैसे ये पेपर है तो मैंने सिर्फ 2 लेयर में इस तरीके से बिछाया हुआ है, पर जब आप कपड़े पे करते हैं तो वो 4 लेयर होना चाहिए, और फोल्डेड साइड मेरी तरफ है इस तरीके से। तो सबसे पहले शोल्डर जो कि हमारा 17 इंच है, तो हम उसका 8.5 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे, पर क्योंकि यहाँ पे जो आप नेक देख रहे होंगे वो डीप है, बैक नेक 11 इंच डीप है और फ्रंट नेक भी डीप है जो कि 8.5 है, तो इसमें हम तकरीबन 1.5 इंच कम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच कम करेंगे तो ये हमारा 7 इंच रह जाएगा, शोल्डर 7 इंच लेना है। 6.5 पे आर्म होल का निशान आएगा हमारा, और यहीं पर जो है हमारी अपर बस्ट की लाइन आती है, तो 13.5 इंच है हमारा बस्ट, तो यहाँ पे 13.5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और जो फुल बस्ट आता है यहाँ से हम 4.5 इंच पे लगाएंगे फुल बस्ट का, ये भी हम 13.5 इंच पे लगा लेंगे। कमर का निशान वैसे ऊपर से जब हम नॉर्मल साइज होता है तो 14-15 पे लेते हैं, पर यहाँ पे जो कमर का निशान है हम 16 इंच पे लेंगे, और जो कमर है हमारा वो है 12.5 इंच चौथा करके। हिप का ऊपर से 21-22 इस तरीके से होता है, तो हम यहाँ पर 23 इंच पे निशान लगा लेते हैं, या 22 ही ले लें आप, तो ये हिप का निशान हमारा 22, और हिप है हमारा 14 इंच चौथा करके, और हिप जितना है जो हमारा बॉटम है वो भी इतना ही 14 रहेगा नीचे का। और अगर आपको ए लाइन में पहनना है, थोड़ा सा घेरा बढ़ाना है, तो 14 से आप उसको 15-16 भी कर लें, इस तरीके से कर सकते हैं। तो सभी निशानों को हम मिला लेंगे, ये हमारी
अपर बस्ट, ये फुल बस्ट, ये कमर मतलब वेस्ट, और ये हिप, और ये यहाँ पर हमारा शोल्डर है। तो जितना हमारा नॉर्मल शोल्डर था 8.5, इस लाइन को हम वहीं पे टिकाएंगे। ये कम नहीं होगा हमारा शोल्डर, नेक की वजह से हमने ऊपर से कम किया है, पर ये चीज़ कम नहीं होगी। और जो फ्रंट का लाइन आएगा वो इससे 1 इंच कम आएगा। तो इन निशानों को भी हम मिला लेते हैं, और ये जो बाकी के निशान हैं इनको भी हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको मेजरमेंट में बताया था, जैसा कि हमारा अपर बस्ट का वैसे काम ख़त्म हो गया था यहाँ पर इसको हम 1/2 इंच कम कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ कम नहीं किया तो आपका जो बगल में जो आर्म होल में झोल होता है वो आ जाएगा। तो ये वाला निशान हम 1/2 इंच यहाँ से कम लेंगे, इस वाले निशान से इसको मिलाएंगे। यहाँ पे स्ट्रेट मिलाएंगे आप बॉटम से। ये बॉटम भी हमने जितना हमारा हिप था उतना ही लिया था, 14 इंच। तो यहाँ पे इसको पूरा आपको स्ट्रेट लेना है, गोलाई नहीं देनी है। और यहाँ पर 1.5 इंच आपको अलग से मार्जिन का भी लेना है। कई लोगों को डाउट होता है, मैम जब आपने 2+ किया तो ये मार्जिन फिर किस लिए, कुर्ती ढीली हो जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल फिटिंग की कुर्ती आती है। यहाँ से जो भी निशान हमने लगाए हैं वहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, दोबारा मिला लेंगे इन निशानों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोना बन गया, पर यहाँ पर गोलाई लेनी है, कोना नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन तो बहुत आ रहे होंगे कि मैम आपने जो ये वाली लाइन ली है आर्म होल की, ये किस हिसाब से ली है? वैसे मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि जितना आपका शोल्डर होता है प्रॉपर नॉर्मल, उससे 1/2 इंच कम करके हम ये लाइन लेते हैं। पर यहाँ पे जो है हैवी साइज में ये हम नहीं कर सकते। और वैसे मैं आपको बताऊँ तो कोई भी फार्मूला इस चीज़ का नहीं होता है, आर्म होल राउंड का कोई फार्मूला नहीं होता है। ये आपको एक्सपीरियंस से आती हैं, जब जब आप सीखते जाओगे, मतलब सिलाई करते जाओगे तो आप खुद सीखते जाओगे, ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती हैं। तो अब ये हैवी साइज है, तो कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि जितना हैवी साइज उतना ही आर्म होल राउंड भी बड़ा, पर ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ आप, मैंने जैसे यहाँ पे 6.5 इंच रखी है, मतलब जितना हैवी साइज उतना आर्म होल कम। नॉर्मली साइज, नॉर्मली क्या होता है, हम 7 इंच ये वाली लाइन रखते हैं, पर आपने देखा होगा ये लाइन जो है मैंने 6.5 रखी, क्योंकि आर्म होल राउंड के जो बस्ट साइज कितना बड़ा है आप देख रहे होंगे, कितना बड़ा हो जाएगा हमारा जो आर्म होल राउंड होगा। तो मैं इसको आर्म होल का निशान दे देती हूँ पहले, फिर आपको और अच्छे से बताती हूँ। जैसे कि ये मैंने आर्म होल का निशान यहाँ पर इस तरीके से दे दिया, ये बैक का हो गया और ये हमारा फ्रंट का हो गया। अब हमारा इसमें आप एक चीज़ कर सकते हो, जो आपका बॉडी पे जो आर्म होल राउंड होता है उसको, उसका नाप आप ज़रूर लीजिए। जैसा कि यहाँ पर आर्म होल राउंड है 22 इंच, 22 का हम आधा करेंगे 11 इंच। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 11 इंच होना चाहिए। तो सिर्फ यही तरीका है आपको, एक जो आप नाप सकते हैं कि छोटा या बड़ा ना हो, तो यही तरीका है। तो इस तरीके से हम नापेंगे जब, तो ये देखिए पूरा 11 इंच आ रहा है, थोड़ा 19-20 हो सकता है, 10.5-11, ये पूरा फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 11 इंच आ रहा है। अगर मैं 7.5 या फिर 7 ले लेती कि अगर हमारा हैवी साइज है तो उसके हिसाब से मुझे आर्म होल भी बड़ा रखना है, तो ऐसा नहीं होता है। जितना हैवी साइज उतना ये लाइन छोटी। तो फ्रेंड्स, अब ये सब तो हमारा हो गया है, अब बचता है नेक। यहाँ से आप हल्का डाउन कर लें, 1/2 इंच से भी कम डाउन करना है, वो भी यहाँ से नेक की 3 इंच की चौड़ाई छोड़कर इस तरीके से। नेक क्या होता है कि नेक में कभी भी कुर्ती पे नहीं काटती हूँ पहले। मैं क्या करती हूँ कि पहले उसको बुकरम पे अच्छे से सेट किया, कपड़े पे सेट किया, उसके बाद ही मैं नेक काटती हूँ। तो इसका जो बैक नेक है वो 11 इंच है, और फ्रेंड्स 11 इंच बहुत बड़ा नेक हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपके जो कंधे होते हैं वो गिरने लगते हैं कुर्ती के, इसीलिए हम ये जो शोल्डर है हमारा यहाँ पे नॉर्मल शोल्डर 18.5, पर मैंने कम किया 1.5 इंच। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि शोल्डर गिरने लगते हैं ये कम करने के बावजूद भी, अगर आपका आर्म होल राउंड ढीला हो गया तो।
उसकी वजह से भी होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप आर्म होल राउंड को एक बार नाप लें कटिंग करने से पहले, तो आप उसको सही भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो फ्रंट नेक है वो है हमारा 8.5, बैक नेक है 11 इंच। तो फ्रेंड्स इसमें तो मैं नहीं कटिंग करूँगी क्योंकि मैं अलग तरीके से कटिंग करती हूँ नेक की, और मैं आपको वीडियो दे दूँगी नेक की जिस पे आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं, और थोड़ा सा और बताना है मुझे वो बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि मैंने जो बैक का हमारा निशान था वो वाली गोलाई ही काटी है, और फ्रंट की अभी नहीं काटी है। आपका क्या होगा कि एक और पीस इस तरीके का बीच में से आप निकाल लें, जो 4 फोल्ड होंगे तो 2 फोल्ड उसमें से निकाल लें जो कि हमारा बैक का होगा, और फिर ये हमारे पास फ्रंट का बचेगा। तो उसके बाद आपको जो है ये आर्म होल की जो फ्रंट की कटाई है ये भी कर देनी है। मैंने तो अभी पेपर में बताया इसलिए इस तरीके से बता रही हूँ। तो हाय सीमा जी, आई होप कि आपके जो आपने मेरे से इतने दिनों से पूछ रहे थे आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।